नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में महिंद्रा कंपनी के अर्जुन नोवो और यूफो ट्रैक्टर की ट्रॉली पाइप के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि महिंद्रा के अर्जुन नोवो और यूफो ट्रैक्टर हमारे देश में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारा यह पाइप अर्जुन नोवो और यूफो के सभी मॉडल में फिट होगा। तो अब पाइप सेट की जानकारी से शुरू करते हैं। हमारा पाइप 3 टाइप के सेट में उपलब्ध है, जिसमें ये पहला सेट है। इस पाइप सेट में पाइप के साथ बेंजो बोल्ट, 2 डाउटी सील, फीमेल वाल डस्ट कैप और क्लिप आता है। वैसे ही दूसरे पाइप सेट में फीमेल वाल्व के साथ मेल वाल्व आ जाता है। हमारे तीसरे पाइप सेट में मेल फीमेल वाल्व के बदले क्विक रिलीज कपलर आता है, जिसे हम पुश टाइट कपलर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइप फिटिंग कैसे करें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। सबसे पहले हम बैंजो बोल्ट और डाउटी सील को पाइप में लगाकर उसे हाइड्रोलिक बॉडी में कस लेंगे। आप देख सकते कि हमारा पाइप का डिजाइन ऐसा किया गया है कि पाइप बॉडी में आराम से लग जाए और सीट को आगे पीछे करने में दिक्कत न आए। हम यहाँ पर पाइप और ट्रॉली को जोड़ने के लिए क्विक रिलीज कपलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम पुश टाइट कपलर भी कहते हैं। इस कपलर को पाइप की नट में लगाकर टाइट करें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रॉली को लगाने और छोड़ाने के लिए पुश टाइट कपलर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने के लिए पुश टाइट कपलर के बदले फीमेल वाल्व को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पाइप सपोर्ट के लिए क्लिप दिया है, जिससे पाइप में वाइब्रेशन न आए। हम जब पाइप को हाइड्रोलिक बॉडी में लगाते हैं तो उसमें एयर होता है, इसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना यह एयर की वजह से फीमेल वाल्व में लीकेज हो सकता है। आपको सिर्फ फीमेल वाल्व पर मेल वाल्व को लगाकर निकालना है, जिससे पाइप में रही एयर निकल जाएगी और लीकेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा पाइप सेट आराम से फिट हो गया है। यह पाइप हमने यूवो 575 भी लगाया है। पाइप सेट की अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिखाए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसान भाइयों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।